हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मेरी सबसे फेवरेट मूवी में से एक द शूटिंग अप को, जो 2007 में आई थी। अगर बात करें क्रिटिक्स की तो इसे मिक्स रिस्पांस मिला था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग शिकायत कर रहे होंगे कि मेरी वीडियो इतनी लेट क्यों आई है, तो आप लोगों को पता है 2 महीना पहले मैंने अपने पापा को खो दिया था और अभी मेरी 1.5 साल की बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि उसे टाइफाइड और डेंगू एक साथ हुआ है। साथ ही उसको कोई पोस्ट कोरोना और उसके ब्लड में कोई बैक्टीरिया भी आया है। इसीलिए मैं अभी हॉस्पिटल में ही काफी परेशान हूँ और वही बिजी हूँ। मेरी वाइफ फिकर कर रही है कि हम अपनी बेटी का मेडिकल खर्च कैसे उठाएंगे। इसीलिए मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए ताकि मैं अपनी बेटी का अच्छे से इलाज करा सकूं। कम से कम पैसों की वजह से मैं पीछे ना हटूं। अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप अमाउंट कोई भी चूज कर सकते हैं, अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेरी मदद कर सकता है वो करे और जो नहीं कर सकता वो दुआ करे कि मेरी बेटी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज नेगेटिव कमेंट ना करें क्योंकि मैं नेगेटिव कमेंट्स झेलने की मानसिक स्थिति में बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन ऑडियंस ने इसे बहुत पसंद किया था और मुझे भी ये मूवी बहुत पसंद है, खासकर इसका एक्शन। इस मूवी की गन फाइट देखकर मुझे जॉन विक की याद आती है क्योंकि इसका मेन कैरेक्टर जॉन विक जितना ही बैडएस है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरह। तो मूवी की शुरुआत में हम हमारे हीरो स्मिथ को देखते हैं। वो एक जगह बैठे गाजर खा रहा था, तभी उसके सामने से घबराते हुए एक प्रेग्नेंट लड़की गुजरती है और कुछ ही सेकंड्स में एक आदमी उसके पीछे आता है। वो स्मिथ को गन दिखाते हुए इस मामले से दूर रहने की धमकी देता है और उस लड़की के पीछे चला जाता है। लेकिन अपना हीरो कहां मानने वाला था, अंदर वो आदमी उस लड़की को मारने ही वाला था। तभी वहां स्मिथ आता है और गाजर उसके मुंह में डाल देता है और एक पंच मार के उस गाजर को उसकी खोपड़ी के आर पार कर देता है। तभी वहाँ और गुंडे आते हैं। स्मिथ उस लड़की की गन लेकर उन लोगों का सामना करता है और उस लड़की को अंदर भेज देता है। फिर स्मिथ एक ऑयल टैंक पर शूट करता है और फिसलते हुए आधे गुंडों को शूट कर देता है। फिर खिड़की के ऊपर से जंप करके बाकी गुंडों के कुछ समझने से पहले ही उन्हें भी मार देता है और तुरंत उस लड़की की तरफ भागता है। अंदर उस लड़की का डिलीवरी का टाइम हो गया था, स्मिथ डिलीवरी में उसकी मदद करता है, साथ ही बचे हुए गुंडों को भी मारता जाता है। कुछ ही देर में वो लड़की एक लड़के को देती है। स्मिथ उस बच्चे की नाल भी गन की बुलेट से उड़ाता है। तभी वहाँ उनका बॉस हर्ट्स आकर स्मिथ पर निशाना लगाता है लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। इधर स्मिथ की गन खराब हो गई थी, वो उस लड़की को लेकर गोलियों के बीच से निकलता है और उसे एक जगह छुपा देता है। बच्चा रो रहा था, स्मिथ जबरदस्ती ही बच्चे को दूध पिलवाता है। वही हर्ट्स भी वहाँ आ रहा था और खून के निशान देख कर आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके आते ही स्मिथ उसकी गन छीन लेता है। स्मिथ उससे पूछता है वो इस लड़की के पीछे क्यों पड़ा है, लेकिन हर्ट सीधा जवाब ना देते हुए उसे एक कहानी सुनाने लगता है। असल में वो स्मिथ का टाइम पास कर रहा था और कुछ ही देर में वहाँ उसके और गुंडे आ जाते हैं। स्मिथ गन चलाता है लेकिन वो गन हर्ट्स के फिंगरप्रिंट से ही चलती है। स्मिथ तुरंत उसे मारकर वहाँ से भागता है और उस लड़की को लेकर वहाँ से जाने लगता है। सभी लोग उन पर शूट कर रहे थे, स्मिथ उससे पूछ ही रहा था वो कौन है, लेकिन तभी स्मिथ देखता है उसे माथे पर गोली लग चुकी थी और वो बच्चा वही रो रहा था। स्मिथ वहाँ से जाने लगता है लेकिन उस बच्चे की आवाज सुनकर रुक जाता है और उसे लेकर वहाँ से निकलता है। स्मिथ छत पर आता है जहाँ एक लाल बोर्ड लगा हुआ था और सामने दूसरी बिल्डिंग की खिड़की थी। तभी वहाँ एक आदमी आता है, स्मिथ उसे गन फेंक कर मारता है और तुरंत उसकी गन ले लेता है। तभी बाकी लोग भी ऊपर आने लगते हैं। स्मिथ एक एक करके उस बोर्ड के अल्फाबेट पर शूट करता है और आखिर में लिखता है फक यू और तुरंत वहाँ से दौड़ने लगता है और उस बिल्डिंग के सामने वाली खिड़की पर जंप करता है। ये देखकर हर्ट्स बोर्ड के आखिरी अल्फाबेट पर शूट करके लिखता है फक यू टू। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हर्ट्स कहता है वो उसे छोड़ेगा नहीं और स्मिथ उस बच्चे को लेकर वहाँ से निकल जाता है। हर्ट्स अपने एक आदमी से पूरा मामला पूछता है जिसकी वजह से वो लड़की भागी थी। स्मिथ ने उसके एक बम्पर गोली मारी थी और लापरवाही के लिए हर्ट्स उसकी दूसरी बम्पर भी गोली मार देता है। दूसरी तरफ स्मिथ उस बच्चे को लेकर कहीं जा रहा था, तभी वो देखता है उस पर किसी ने नजर रखी हुई थी। स्मिथ तुरंत ही एक पब्लिक टॉयलेट में जाकर उस आदमी का वेट करने लगता है लेकिन उसकी गन कबो
बोट में गिर जाती है। स्मिथ तुरंत ही गन को खोलकर साफ करने लगता है। उसके गन वापस जोड़ने तक वो आदमी भी बाहर आ जाता है। वो स्मिथ से उस बच्चे को उसे देने कहता है। स्मिथ उसकी तरफ शूट करता है लेकिन गन ही नहीं चलती। तभी वो आदमी अंदर आकर उस पर शूट करता है। स्मिथ उससे बचते हुए वहाँ की लाइट ऑफ करता है और अंधेरे में उससे गन छीनने की कोशिश करता है। फिर उसका हाथ हीटर के नीचे लगाकर उसकी गन छुड़वा देता है लेकिन वो उस पर चाकू से हमला करता है। मगर स्मिथ चाकू से बचते हुए अपनी गन हीटर के नीचे लगाता है और कुछ ही देर में उसकी गन चल जाती है। वो उस आदमी को गन पॉइंट पर ले लेता है और उस बच्चे को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं वो उस बच्चे को लेकर एक बस में जा रहा था लेकिन वो बहुत रो रहा था। स्मिथ सामने देखता है एक औरत अपने बच्चे का सिर ढक रही थी। ये देखकर वो अपना मोजा उतार कर बच्चे के सिर में पहना देता है। दूसरी तरफ हर्ट्स को स्मिथ की लोकेशन पता चल गई थी। वो तुरंत उस जगह के लिए निकलता है। वही स्मिथ उस बच्चे को एक पार्क में लेकर आता है और घूमने वाले झूले में रख देता है इस उम्मीद में कि यहाँ से कोई भला इंसान उसे उठा ले। स्मिथ उसे छोड़कर कुछ ही दूर गया था तभी उस बच्चे को एक औरत देख लेती है। वो उसके पास ही जा रही थी लेकिन तभी उसे कोई शूट कर देता है। स्मिथ देखता है सामने हर्ट्स था। उसने बच्चे पर निशाना लगाया था लेकिन वो औरत बीच में आ गई। वो फिर उस पर निशाना लगाता है लेकिन तभी स्मिथ गन निकाल कर उस झूले पर निशाना लगाता है जिससे वो झूला घूमने लगता है जिससे हर्ष को क्लियर निशाना नहीं मिलता। वो फिर भी उस पर निशाना लगाने की कोशिश करता है लेकिन स्मिथ शूट करके झूले को और तेज घुमाता है और खुद भी उसके चारों तरफ घूमने लगता है। जब तक हर्ष उसे शूट कर पाता स्मिथ बच्चे को लेकर वहाँ से भाग जाता है और हर्ष फिर से कुछ नहीं कर पाता। फिर स्मिथ वहाँ से एक ब्रोथल जाता है जहाँ एक लड़की डोना थी जिसके पास वो अक्सर आया करता है। वो डोना को 5,000 देकर एक हफ्ते के लिए बच्चे का ख्याल रखने कहता है लेकिन डोना नहीं मानती। उसे लगता है स्मिथ ने इस बच्चे को किडनैप किया है और डोना फंसना नहीं चाहती थी। स्मिथ कहता है उसने बच्चे को किडनैप नहीं किया लेकिन डोना नहीं मानती क्योंकि उसे स्मिथ पर भरोसा नहीं है। डोना बच्चे को फीडिंग करवाती है लेकिन उसे अपने साथ नहीं रखती, इसीलिए स्मिथ बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हर्ट्स अपने आदमियों की बॉडीज दफना रहा था। उसके बाजू में उसी औरत की लाश थी। तभी उसे समझ में आता है उस बच्चे को माँ के दूध की जरूरत पड़ेगी। वो तुरंत शहर की हर उस जगह का पता लगवाता है जहाँ नाजायज बच्चे पलते हैं। अगले सीन में हम डोना को देखते हैं क्योंकि उसके पास हर्ट्स पहुँच गया था क्योंकि उसे पता चल गया था कुछ देर पहले एक आदमी एक बच्चे को लेकर यहाँ आया था। डोना उसे सब बता देती है साथ ही उसका नाम भी, लेकिन हर्ट्स को यकीन ही नहीं होता। उसे लगता है डोना झूठ बोल रही है। हर्ट्स गन फायर करके उसकी नली डोना की जांघ पर लगाता है। डोना कहती रहती है उसे और कुछ नहीं पता लेकिन हर्ट्स नहीं मानता। वो गन की और गोलियां चलाकर डोना के प्राइवेट पार्ट पर लगाने वाला था लेकिन तभी उसके पीछे स्मिथ खड़ा था। दोनों एक दूसरे की तरफ गन तान देते हैं लेकिन स्मिथ उसे बोलता है वो अपने बंदूक की सारी गोलियां चला चुका है। स्मिथ उसे बाहर लेकर आता है जहां उसके बाकी आदमी भी मरे पड़े थे लेकिन स्मिथ के पास भी फिंगरप्रिंट वाली ही गन है। हर्ट्स कहता है वो उस गन से गोली नहीं चला सकता लेकिन स्मिथ उस आदमी का हाथ भी लाया था। हर्ट्स चाकू लेकर स्मिथ की तरफ दौड़ता है और स्मिथ उस हाथ के जरिए गन फायर करता है और हर्ट्स वही गिर जाता है। फिर स्मिथ बच्चे को लेता है और डोना को अपने साथ चलने बोलता है। फिर वो डोना और बच्चे को लेकर कहीं जा रहा था। डोना उस पर चिल्ला रही थी क्योंकि स्मिथ की वजह से अब उसकी जान भी खतरे में पड़ गई थी लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता। वो वहाँ से एक कार चुराता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हर्ष अभी तक जिंदा था क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा था। वो बाहर आकर किसी से जितने हो सके उतने आदमियों को मंगवाता है। तभी उसे वो जगह दिखाई देती है जहाँ से स्मिथ ने कार चुराई थी। वहाँ सीसीटीवी कैमरा था जिससे हर्ष को उस कार का नंबर पता चल जाएगा। दूसरी तरफ स्मिथ डोना को सब बता देता है। वो उस बच्चे को लेकर पुलिस के पास जाने कहती है लेकिन जैसे ये लोग दिख रहे हैं स्मिथ को लगता है ये मामला बहुत बड़ा है इसीलिए वो पुलिस के पास नहीं जा सकता। फिर स्मिथ एक दुकान में गन लेने जाता है लेकिन उसके पास पैसे बहुत कम थे। डोना ये देखकर बाहर चली जाती है। स्मिथ उस दुकानदार को चेक देता है लेकिन बाहर डोना गायब हो गई थी। जब स्मिथ बाहर जाकर देखता है डोना एक आदमी को प्लेजर दे रही थी। स्मिथ उस आदमी को मारकर भगा देता है। डोना कहती है वो बच्चे के लिए पैसे कमा रही थी। फिर डोना बच्चे के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदती है। फिर स्मिथ उसे एक अबैंडन्ड बिल्डिंग के पास लेकर आता है जहां वो रहता था। वो एक चूहा दरवाजे के ऊपर के होल में डालता है। वो चूहा जाकर उस दरवाजे को अनलॉक
अनलॉक करता है। डोना बच्चे को खुद पुलिस के पास ले जाने कहती है, लेकिन वो कभी पहुंच नहीं पाएगी क्योंकि अब तक बहुत से लोग उन्हें ढूंढ रहे होंगे। दूसरी तरफ हर्ष ने 50 आदमियों का इंतजाम कर लिया था, तभी उसे उस गन शॉप के बाहर वो कार दिखाई देती है। वो समझ जाता है स्मिथ जरूर यहाँ आया होगा। अगले सीन में हम देखते हैं वो लोग स्मिथ के घर के बाहर थे। उसके साथ के गुंडों को समझ नहीं आता उसे कैसे पता चला स्मिथ का घर यही है। दूसरा आदमी कहता है हर्ष को वो चीजें दिखाई देती है जो दूसरों को दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो पहले FBI के फोरेंसिक डिपार्टमेंट में था। अंदर स्मिथ और डोना उस बच्चे का नाम ओलिवर रखते हैं। स्मिथ टीवी चलाता है, लेकिन इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी टीवी पर कोई न्यूज नहीं थी। तभी स्मिथ नोटिस करता है जब भी वो पॉलिटिशियन का भाषण लगाता है बच्चा रोने लगता है, लेकिन जैसे ही वो चैनल चेंज करके रॉक म्यूजिक लगाता है बच्चा चुप हो जाता है। लेकिन नीचे हर्ट्स के बाकी आदमी भी आ गए थे, वो सभी को ऊपर भेजता है ताकि कोई भी बच ना सके। जैसे ही एक आदमी उसके सामने आता है स्मिथ उसे शूट करता है, लेकिन और आदमी वहां आने लगते हैं। डोना छोटी लिफ्ट में जाती है, लेकिन स्मिथ के आने से पहले ही लिफ्ट नीचे चली जाती है। एक आदमी मशीन गन से उस पर फायर करता है, फिर स्मिथ बाहर निकलकर एक एक करके सबको शूट करता जाता है। फिर मशीन गन वाले आदमी से बचते हुए वो रोलर पर जाता है जहां सामने ही एक गन पड़ी थी। स्मिथ उस गन को लेकर सामने से आ रहे दो आदमियों को शूट करता है और नीचे झुककर मशीन गन वाले आदमी को भी। फिर स्मिथ तीन आदमियों को मारकर जगह बनाता है और उनके जरिए अलमारी की दूसरी तरफ जंप करता है और वहां के आदमियों को भी शूट कर देता है। बच्चा इससे बहुत खुश होता है। स्मिथ और आदमियों को मारते हुए आगे बढ़ रहा था तभी उसे मशीन गन मिलती है, वो सभी को शूट करने लगता है। तभी वो देखता है सीढ़ियों से और ऊपर से एक आदमी आता है। स्मिथ उसे शॉट गन से शूट करता है और वो नीचे गिर जाता है। स्मिथ उसकी ही मशीन गन लेकर उस रस्सी को पकड़कर नीचे कूदता है और नीचे जाते हुए सीढ़ियों से आ रहे सभी आदमियों को मारता जाता है। ये सीन बहुत बढ़िया था। तभी उसे हर्ट्स दिखाई देता है। स्मिथ तुरंत उस पर शूट करता है लेकिन वो बच जाता है। हर्ट्स उस रस्सी को शूट कर देता है लेकिन स्मिथ उस आदमी के ऊपर गिरता है। बच्चा बिल्कुल ठीक था, डोना भी नीचे आ चुकी थी। फिर तीनों भी बच्चे को लेकर वहां से निकल जाते हैं। ये देखकर हर्ट्स कहता है क्या वो सब चूतिया है या ये आदमी बहुत लाजवाब है। दोनों जाकर एक गली में छुपते हैं। हर्ट्स अपने आदमी और एक कुत्ते को लेकर आ रहा था। डोना उसे कुत्ते को मारने कहती है लेकिन स्मिथ को कुत्ते पसंद है। वो लोग कुत्ते को छोड़ देते हैं, वो एक डस्टबिन पर भौंकने लगता है। सब अपनी पोजीशन ले लेते हैं। तभी हर्ट्स को कुछ दिखाई देता है। वो जाकर देखता है तो एक चूहे के ऊपर बच्चे का डायपर बंधा हुआ था। इसका मतलब स्मिथ ने फिर एक बार उन्हें चकमा दे दिया। इधर स्मिथ को लगता है उस बच्चे की माँ किसी ऐसी जगह रहती थी जहाँ लाउड म्यूजिक बजता होगा जो बच्चे ने अपनी माँ के पेट में सुना होगा, इसीलिए उसे लाउड रॉक म्यूजिक पसंद है। लेकिन डोना को ये बकवास लगता है। वो एक क्लब के पास पहुँचते हैं जहाँ रॉक म्यूजिक बज रहा था और ये क्लब उस जगह के करीब था जहाँ स्मिथ बच्चे की माँ से टकराया था। अंदर जाकर वो इस चीज से मिलते हैं जो यहाँ का मालिक है। डोना उसका मेन पॉइंट पकड़ लेती है। स्मिथ उससे पूछता है ऊपर कौन रहता है। वो उन्हें बताता है किसी ने एक साल के लिए ऊपर की जगह किराए पर ली थी, वो पीछे के रास्ते से ही आना जाना करता था। जब दोनों अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ बहुत से आदमियों की लाशें पड़ी थी। स्मिथ समझ जाता है इसके पीछे कोई बहुत बड़ा आदमी है। वहाँ उस बच्चे के साथ और भी प्रेग्नेंट लड़कियों की तस्वीर थी। दोनों और अंदर जाते हैं, वहाँ एक और लड़की की लाश पड़ी थी और वहाँ वही आदमी था जिससे स्मिथ बाथरूम से बचकर निकला था। वो किसी को फोन पर बता रहा था उसने सभी माओं को मार दिया है। उसके पलटने से पहले ही स्मिथ और डोना चुपके से दूसरे कमरे में छुप जाते हैं। वो आदमी किसी को बता रहा था कि उस भागी हुई लड़की ने बच्चे को जन्म दे दिया था और वो बहुत जल्द उस बच्चे को ढूंढ लेगा। जैसे ही वो आगे जाता है दोनों उस कमरे की तरफ जाते हैं। वहाँ के सारे सबूत मिटाने के लिए उसका बैकअप आ गया था। वही स्मिथ और डोना देखते हैं अंदर बहुत सारी दवाएं पड़ी है, साथ ही बहुत सारे सीमन के सैंपल भी रखे हुए थे। लेकिन कुछ ही देर में स्मिथ को समझ में आता है ये सारे सैंपल एक ही आदमी के है। दोनों और अंदर जाते हैं। दूसरी तरफ एक आदमी को बाहर स्मिथ का खाया हुआ आधा गांजर मिलता है। वही अंदर एक लड़की की लाश के साथ बहुत सारे बोन मैरो का खून पड़ा हुआ था। वही वो आदमी अंदर आ गया था। इस तरफ स्मिथ बताता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए दोनों का ब्लड ग्रुप एक ही होना चाहिए और अगर DNA भी सेम रहा तो ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट और बढ़ जाता है। इसका मतलब ये था ये लोग यहाँ बच्चों की पैदाइश करवा रहे थे ताकि उस बच्चे का किसी के साथ बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा सके, और कोई दूसरा है जो नहीं चाहता कि ये ऑपरेशन कामयाब हो, इसीलिए वो ओलिवर मतलब इस बच्चे को मारना चाहते है। वो आदमी अंदर आ जाता है लेकिन तभी स्मिथ पीछे से निकल कर सीधा उसकी आँख में गाजर घुसेड़ देता है और उसका कोई कार्ड ले लेता है। दोनों एक होटल के रूम में रुकते हैं। स्मिथ ने किसी दोस्त को मदद के लिए बुलाया था लेकिन उसे डर था वो ही उसे धोखा न दे दे। स्मिथ ने सभी
न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर्स को उस बच्चों की फैक्ट्री की खबर दे दी थी। अब उन्हें न्यूज के आने का इंतजार करना होगा, शायद इससे उनकी जान बच जाए। यहाँ डोना बच्चे को उसके पास लाने के लिए स्मिथ पर नाराज हो जाती है, क्योंकि डोना के बच्चे के साथ कुछ हुआ था। डोना ओलिवर को बाथटब में सुलाती है। तब स्मिथ उससे पूछता है उसके बच्चे को क्या हुआ था। तब वो बताती है उसके दलाल ने उसके पेट पर घूसा मारा था, तब उसका बच्चा उसके पेट में ही मर गया था। डोना रोने लगती है और स्मिथ उसे संभालता है। फिर स्मिथ ओलिवर को गन दिखाकर शांत करता है। ओलिवर को भी गन बहुत पसंद आ रही थी। फिर वहाँ डोना आती है। यह दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं और यामा काटा करने लगते हैं। और अब यहाँ बहुत ही फनी सीन आता है। तभी स्मिथ देखता है गुंडे अंदर आ रहे हैं और स्मिथ यामा काटा करते हुए ही सभी को शूट करने लगता है और डोना इंजॉय कर रही थी। स्मिथ सभी को मार देता है। ये एक एक्शन सीन होने के साथ ही बहुत फनी भी था। फिर स्मिथ उन सभी आदमियों की गन देखता है। उन सबके पास हैमरसन कंपनी की गन थी और ये ही सबसे अजीब बात थी, क्योंकि इस गन को मार्केट में आने अभी 6 महीने बाकी है। फिर हम हर्ट्स को देखते हैं। उसके इतने सारे आदमियों के मरने के बाद भी उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, क्योंकि गुस्सा आने से आईक्यू कम हो जाता है और सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, क्योंकि उसे स्मिथ की इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। फिर हम डोना और स्मिथ को देखते हैं। वो किसी मिलिट्री म्यूजियम में आए थे, क्योंकि यहाँ वो दोनों सेफ रहेंगे। स्मिथ डोना को बच्चे को लेकर उस टैंक के अंदर जाने बोलता है, क्योंकि उस टैंक पर गोलियों और बम का असर नहीं होता। टैंक के अंदर जाने के लिए स्मिथ बाहर तमाशा करेगा, तब डोना को टैंक के अंदर जाना है। उसने टैंक के अंदर खाने पीने का सामान रख दिया था, जिससे कुछ दिन डोना को टैंक में रहने में कोई परेशानी नहीं होगी। डोना को स्मिथ के वापस आने की फिक्र थी, लेकिन स्मिथ वादा करता है वो वापस जरूर आएगा। फिर स्मिथ गन डोना की उंगली में पहनाकर उसे प्रपोज करता है। फिर दोनों गुड बाय किस करते हैं। पास ही में एक औरत अपने बच्चे को डांट रही थी। स्मिथ जाकर उस औरत से झगड़ा करने लगता है और उसे पीछे मारने लगता है। इस तमाशे के बीच डोना टैंक के अंदर चली जाती है। अपनी माँ को मार खाते देख उस बच्चे को बहुत मजा आ रहा था। फिर स्मिथ वहां से चला जाता है। फिर वो हैमरसन कंपनी के पास जाता है। अंदर स्मिथ देखता है हर्ट्स उस हैमरसन नाम के आदमी के लिए ही काम कर रहा था। हैमरसन हर्ट्स को डांट रहा था जब वो दोनों बात कर रहे थे। स्मिथ अंदर जाता है, जहाँ सीसीटीवी पर नजर रखने वाला आदमी चाय की चुस्कियाँ ले रहा था। स्मिथ उसे मारकर बांध देता है और खुद चाय की चुस्कियाँ लेने लगता है। उधर हैमरसन अपनी बीवी सॉरी कुतिया के साथ खेल रहा था। तब हर्ट्स उसे बताता है उसने स्मिथ के बारे में पता लगाया है। उधर स्मिथ वहाँ की गन निकाल कर ट्रैप लगाना शुरू करता है। स्मिथ के ट्रैप लगाते समय हर्ट्स को कुछ शक हो जाता है। इधर स्मिथ जैसे ही आगे आकर उन लोगों की तरफ देखता है, वो लोग उस पर फायर करने लगते हैं। हर्ट्स उससे बच्चे के बारे में पूछता है। स्मिथ उनके सामने गाजर फेंकता है, वो लोग उसे शूट करते हैं। तभी स्मिथ निकलकर एक आदमी को शूट कर देता है। यहाँ हर्ट्स स्मिथ की फैमिली का जिक्र करता है। दरअसल पहले स्मिथ मिलिट्री में था, इसीलिए उसका निशाना इतना अच्छा है और उसे मेडिकल की भी नॉलेज है। लेकिन एक दिन एक दुकान में किसी चोर ने उसकी बीवी और बच्चे को बेवजह ही शूट कर दिया था। हर्ट्स उसे उकसा रहा था, लेकिन ये सुनने के बाद भी स्मिथ बाहर नहीं आता। तभी वो देखता है उसकी दोनों तरफ से आदमी आ रहे थे। स्मिथ एक ही जंप में दोनों आदमियों को शूट कर देता है। सारे आदमी उसके पीछे भागते हैं। दो आदमी उसके पीछे आते हैं, लेकिन सामने ही ट्रैप था जिससे वो दोनों मारे जाते हैं। दो आदमी और आते हैं, लेकिन वो भी मारे जाते हैं। स्मिथ सीसीटीवी रूम में आता है। उसने हर जगह गन्स लगा रखी थी जिनके ट्रिगर उसके पास थे। स्मिथ सभी को वही खड़े खड़े शूट करता जाता है। एक आदमी को तो वो सीधा शॉटगन से उड़ाता है। फिर और आदमी वहां आते हैं और गन से बचते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन स्मिथ ने सामने ही मशीन गन लगा रखी थी। उनके आगे आते ही स्मिथ सभी को मशीन गन से भून देता है। अब हर जगह लाशें पड़ी थी। तभी उसके बाजू एक आदमी आकर उस पर गन तान देता है और उसे उसकी गन फेंकने कहता है। जैसे ही स्मिथ गन फेंकता है, सीसीटीवी पर लगी गन उसे शूट कर देती है। वो लोग सोच ही रहे थे स्मिथ मरा कि नहीं, लेकिन तभी वो गाजर मशीन गन के ट्रिगर में फंसाकर गन उनकी तरफ फेंकता है। उनके डिस्ट्रैक्ट होते ही स्मिथ शूट करते हुए बाहर आता है और एक आदमी को नपुंसक बनाते हुए आगे बढ़ता है। फिर डोर के लॉक को शूट करके बाहर निकल जाता है और इस बार भी हर्ट्स कुछ नहीं कर पाता, बस चिल्लाता रह जाता है। स्मिथ डोना के पास आता है। उसे ये तो पता चल गया था कि हैमरसन ही बच्चे को मारना चाहता है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उसका बोन मैरो किसे चाहिए। तभी उसे पेपर में एक सांसद की फोटो दिखाई देती है जो अगले इलेक्शन में प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होने वाला था। अगर ये प्रेसिडेंट बन गया तो हैमरसन का धंधा बंद करवा देगा। और उस क्लब के ऊपर जो आदमी था वो किसी खुफिया एजेंसी से था। इसका मतलब इस मंत्री ने ही बच्चों को पैदा करवाया था ताकि उनका बोन मैरो ले सके। डोना को लगता है अगर वो इस मंत्री के पास जाए तो सब
ठीक हो जाएगा, लेकिन स्मिथ के मुताबिक अब पूरी सरकार और एजेंसीज उनके पीछे लग चुकी है। स्मिथ डोना को बच्चे को लेकर शहर से दूर जाने कहता है। वो ट्रेन या फ्लाइट से जा नहीं सकते थे, इसीलिए स्मिथ उसे किसी टूरिस्ट बस से जाने कहता है और बस छूटने से पहले वो सब पता लगाकर आ जाएगा। साथ ही स्मिथ डोना को कहता है वो जहाँ भी उतरे स्मिथ को पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो वापस ना आ पाए। फिर दोनों कहीं जा रहे थे, स्मिथ ने कोई प्लान बनाया था, तभी उनके पीछे गुंडे पड़ जाते हैं। दोनों वहाँ से अलग भाग जाती है और स्मिथ बच्चे के साथ भाग रहा था। वो ब्रिज के नीचे जंप करता है और नीचे रखी कार की रूफ टॉप तोड़ते हुए उसमें लैंड करता है। फिर उस कार को लेकर वहाँ से निकलता है। उसके पीछे एक वैन पड़ जाती है जिसकी खिड़की के बाहर से एक आदमी लगातार फायर कर रहा था। स्मिथ की गन भी उससे छूट जाती है, उसने बच्चे को नीचे ही रखा हुआ था। फिर स्मिथ गाड़ी के ब्रेक लगाकर दरवाजा खोल देता है, जो जाकर सीधा उस आदमी को लगता है और वो वही लटक जाता है और उसकी गन छूट जाती है। फिर स्मिथ उस गन को उठाता है और वैन में मौजूद सभी लोगों को शूट कर देता है। फिर गाजर की मदद से अपनी गन उठाता है, लेकिन तभी साइड से एक वैन उसे टक्कर मार देती है। स्मिथ की कार पलटकर सीधी हो जाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि उसने सीट बेल्ट लगा रखी थी, लेकिन बच्चा नीचे गिर गया था। स्मिथ तुरंत कार पलटाता है और बच्चे की तरफ जाने लगता है। सामने से वही वैन आ रही थी, लेकिन स्मिथ बच्चे को उठा नहीं पाता। सामने ही वो वैन में से सभी आदमी उस पर शूट कर रहे थे। स्मिथ अपनी कार के सामने की कांच तोड़ता है, फिर उस वैन के कांच पर निशाना लगाता है और सीट बेल्ट खोलकर वैन को टक्कर मारते ही वो सीधा उड़कर उस वैन के अंदर पहुंचता है और सभी लोगों को शूट कर देता है, लेकिन वहाँ हर्ष आ गया था। स्मिथ बाहर निकलकर देखता है लेकिन छुप जाता है। हर्ष उस बच्चे को कार से कुचल देता है। हर्ष बहुत खुश हो रहा था, लेकिन तभी वो देखता है वो बच्चा नहीं बल्कि डॉल है। हर्ष फिर स्मिथ को गालियां देने लगता है क्योंकि फिर से स्मिथ ने उसे चकमा दे दिया और स्मिथ हंसते हुए वहाँ से निकल जाता है। फिर डोना जाकर टैंक से बच्चे को लेती है। दूसरी तरफ स्मिथ उस मंत्री की सिक्योरिटी को कॉल करता है। ये जानते ही कि उसके पास एक बच्चा है, वो उसकी कॉल उसी आदमी को ट्रांसफर करते हैं जिससे स्मिथ बाथरूम में मिला था। स्मिथ को उस मंत्री से मिलना था, वो मान जाता है क्योंकि वो मंत्री भी स्मिथ से मिलना चाहता था। वो आज कहीं जा रहा था, इसीलिए वो स्मिथ को मंत्री के प्लेन में ही मिलने बुलाता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो आदमी स्मिथ को मंत्री के प्लेन में लेकर आता है। उस मंत्री को देखकर समझ में आता है उसे कोई सीरियस बीमारी है। दोनों के मिलने के बाद प्लेन उड़ने लगता है। यहाँ मंत्री समझ गया था कि स्मिथ को उस बच्चे और हेमरसन के बारे में सब पता चल चुका है, क्योंकि ये बहुत आसान था, क्योंकि वो ही एक मंत्री है जो गोला बारूद की कंपनीज बंद कराना चाहता है ताकि लोगों का ध्यान दूसरे मुद्दों से हटा सके। तभी स्मिथ नोटिस करता है उस मंत्री के पैंट पर उसकी बीवी के बाल, सॉरी कुत्ते के बाल लगे हुए थे। वेपन्स कंपनी वालों को पता चल गया था कि मंत्री बीमार है, इसीलिए उन्होंने बच्चों को मरवा दिया ताकि मंत्री भी मर जाए। मंत्री उससे बच्चे के बारे में पूछता है, लेकिन अचानक स्मिथ पास में ही खड़े आदमियों की गन निकालकर उस मंत्री को कब्जे में ले लेता है। स्मिथ बताता है वो समझ गया है मंत्री ने हेमरसन से हाथ मिला लिया है, क्योंकि हेमरसन के बीवी के, सॉरी कुतिया के बाल मंत्री के पैंट पर लगे हैं। इसका मतलब उन दोनों की मीटिंग हो चुकी है। तभी वहाँ हर्ट्स और हेमरसन आते हैं, मतलब स्मिथ बिल्कुल सही था। हर्ट्स बताता है मंत्री ने उन्हें ऑफर दिया है कि वो अपना धंधा बिना रोक टोक के चला सकते हैं और उसके बचने के बाद वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। स्मिथ मंत्री को खींचते हुए ले जा रहा था। मंत्री उसे भाषण देने लगता है, लेकिन भाषण का स्मिथ पर कोई असर नहीं होता। वो उसे एक दीवार के पीछे ले जाता है। वो सभी स्मिथ से मंत्री को छोड़ने बोल रहे थे। तभी स्मिथ को फ्लोर पर एक दरवाजा दिखाई देता है। स्मिथ मंत्री को लेकर नीचे उतरता है। वो लोग वहाँ आते हैं, लेकिन स्मिथ उसे लेकर नीचे उतर गया था। स्मिथ उसके ही सिरिंज पाइप से दरवाजे के साथ उसे बांध देता है। वो लोग मंत्री को छोड़ने बोल रहे थे, लेकिन अगर स्मिथ ने मंत्री को मार दिया तो डोना और बच्चा बच जाएंगे, क्योंकि तब उन्हें बच्चे की जरूरत नहीं होगी। मंत्री फिर उसे भाषण देने की कोशिश करता है, लेकिन स्मिथ सीधा उसे शूट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। गन की आवाज सुनकर ऊपर सब हैरान हो जाते हैं। हर्ट्स लॉक को शूट करके दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन स्मिथ ने मंत्री को दरवाजे के साथ बांध दिया था। दूसरी तरफ स्मिथ पैराशूट लेकर कूद जाता है। वो लोग भी उसके पीछे आते हैं। स्मिथ हवा में ही उन लोगों को शूट करता जाता है, लेकिन फाइनली एक गोली स्मिथ के कंधे पर लगती है। तभी वो देखता है पीछे से वो आदमी भी आ रहा था और सामने ही एक चॉपर था। स्मिथ अपना पैराशूट खोलता है और उस आदमी को पकड़ता है और उसे चॉपर की तरफ धक्का दे देता है। जब तक वो आदमी स्मिथ को शूट कर पाता, चॉपर के विंग्स में आकर उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं।
अगले सीन में हम देखते हैं स्मिथ जख्मी हालत में नीचे उतर चुका है और उसके चारों तरफ लाशें पड़ी हुई है। स्मिथ वहां से किसी फैक्ट्री में जाता है लेकिन थकान की वजह से बेहोश हो जाता है। कुछ ही देर में उसे होश आता है लेकिन उसके सामने हर्ट्स खड़ा था। दूसरी तरफ डोना बच्चे के साथ उस बस के पास आ गई थी। वो आसपास स्मिथ को ढूंढ रही थी लेकिन इस तरफ वो लोग स्मिथ को हैमरसन के पास लेकर आते हैं। हर्ट्स उससे बच्चे और डोना के बारे में पूछता है। स्मिथ के ना बताने पर वो उसकी उंगली तोड़ देता है। फिर पूछने पर स्मिथ उसे दूसरी उंगली दिखाता है। हर्ट्स उसे भी तोड़ देता है। स्मिथ उससे पूछता है मंत्री तो मर गया, अब वो बच्चे के पीछे क्यों पड़ा है। लेकिन स्मिथ ने उस बच्चे को बचाने के लिए उन्हें बहुत परेशान किया था, इसीलिए अब ये मामला हर्ट्स और हैमरसन के लिए पर्सनल हो गया था। यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि स्मिथ की फैमिली जिन गोलियों से मारी गई थी वो गोलियां अपनी शॉप से स्मिथ ही बेच रहा था, इसीलिए वो अपने पास गन नहीं रखता। इधर बस का टाइम हो गया था लेकिन स्मिथ ने उसे बोला था अगर वो ना आ पाए तो डोना उसका इंतजार ना करे और चली जाए। इधर हर्ट्स एक एक करके स्मिथ के हाथों की सारी उंगलियां तोड़ देता है, फिर भी स्मिथ उसे कुछ नहीं बताता। अब हर्ट्स मेडिकल नाइफ लेकर स्मिथ की आंख फोड़ने वाला था लेकिन तभी अचानक स्मिथ उसे टक्कर मारता है जिससे वो मेडिकल नाइफ उसके माथे के साइड में घुस जाता है। तभी स्मिथ उसे अपने हाथ में घुसा लेता है और उस नाइफ से एक आदमी की आंख फोड़ता है और दूसरे आदमी के सिर में घुसा देता है। फिर हैमरसन को पकड़कर उसकी ही बंदूक से उसे शूट कर देता है, फिर उसकी बंदूक लेकर जाने लगता है। तभी हर्ट्स उठता है, उसे पता था स्मिथ की उंगलियां टूटी हुई है। वो स्मिथ के पीछे जाता है और हंसते हुए उसे खुद को गोली मारने कहता है। स्मिथ बड़ी मुश्किल से गन फायर करता है लेकिन गोली हर्ट्स को नहीं लगती। ये देखकर हर्ट्स और जोर जोर से हंसने लगता है। स्मिथ अंदर चला जाता है। हर्ट्स कहता है स्मिथ आज उसके ही हाथों मरेगा। स्मिथ अंदर जाता है, उसके हाथ से गन गिर जाती है। वो फायर प्लेस के सामने बैठ जाता है। फिर वहाँ हर्ट्स आता है। वो हमेशा की तरह स्मिथ के सामने अपनी बकवास करने लगता है लेकिन स्मिथ ने कैप खोलकर बुलेट्स को अपनी उंगलियों में फंसा लिया था। वो तुरंत अपना हाथ आग में डालता है। जब तक हर्ट्स कुछ समझ पाता बुलेट फायर होकर सीधा उसे छन्नी कर देती है और इस बार तो उसने बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहना था। उसके पैर में एक और गन थी, स्मिथ उसे भी ले लेता है। स्मिथ जा ही रहा था तभी हर्ट्स उठकर खड़ा हो जाता है और स्मिथ पर गन तान देता है और स्मिथ उस पर, लेकिन स्मिथ पहले गोली चलाकर हर्ट्स को उड़ा देता है। स्मिथ उससे कहता है उसे उन नपुंसक लोगों से नफरत है जो बंदूक के सहारे खुद को बहादुर समझते हैं। फिर स्मिथ वहां से निकल जाता है और हैमरसन की कुतिया भी उसके साथ आती है। अगले सीन में हम देखते हैं स्मिथ उस बस स्टॉप पर खड़ा था, फिर वो उसी बस में जाता है। रेडियो के जरिए उसे और हमें पता चलता है उस मंत्री का प्लेन FBI को समुद्र में मिला है लेकिन मंत्री की लाश नहीं मिली। तब बस एक आइसक्रीम पार्लर के पास रुकती है। स्मिथ भी अंदर जाता है तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज आती है। जैसे ही स्मिथ पलटता है पीछे ओलिवर, मतलब वही बच्चा था। स्मिथ जाकर उससे मिलता है तभी सामने डोना आती है और इतने दिनों बाद दोनों मिल जाते हैं। तभी कुछ गुंडे आकर वहाँ लूटपाट शुरू कर देते हैं। स्मिथ पहले सभी को देखता है फिर किक मारकर एक गुंडे की बंदूक उछालता है और उसे अपने गाजर की मदद से पकड़ लेता है। पहले वो सामने वाले आदमी की उंगली उड़ाता है, दूसरे आदमी का कान उड़ाता है। ये देखकर तीसरा आदमी छुप जाता है, इसीलिए वो नीचे गिरे आदमी के हाथ पर गोली मारता है जिससे उस आदमी की गन चलती है और सीधा तीसरे आदमी की टांग में लगती है। और स्मिथ के गोली चलाते ही ये मूवी भी यही एंड होती है। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं और आपने ये पूरी वीडियो देख ली है तो अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर करें। मैं हॉस्पिटल से फ्री होने के बाद जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। बाय।